गाइस, तो इस बार मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वैलेंटाइन केक की रेसिपी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एगलेस वेनिला केक कैसे बनाया जाता है और साथ ही उसके साथ उसकी आइसिंग कैसे की जाती है। और जिन लोगों को केक में फ्लावर्स बनाने में डिफिकल्टीज होती है, उनके लिए मैं बताऊंगी कि आप नेचुरल फ्लावर से भी केक कैसे सजा सकते हैं। तो ये सारे सीक्रेट जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप बाउल में सबसे पहले ले लें आधा कप शुगर और उसके साथ ही आप ले लें आधा कप मिल्क पाउडर और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधा कप से दो चम्मच कम तेल। तो आप देख सकते हैं ये जो कप है ये पूरा फुल नहीं है। और फिर इसमें आपको डालना है आधा कप दूध। तो यहाँ दूध को मैंने दो बार डाला है, तो पहले मैंने आधा कप डाला है और उसके बाद मैंने इसमें एक चौथाई कप का आधा दूध लिया है। तो दूध आप नॉर्मल टेम्परेचर या फिर ठंडा ले सकते हैं। और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो ये आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप जो बाउल है उसे किनारे से साफ भी करते रहिए बीच बीच में, ताकि इसमें सारा जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक जो शुगर और जो ऑयल है वो एक साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो ये करने में आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। और ये देखिए, इसमें पूरा जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और उसके बाद आप एक छन्नी ले लें और उसमें डालें 3/4 कप मैदा, 1/2 TSP बेकिंग पाउडर और 1/4 TSP बेकिंग सोडा। तो इस मेजरमेंट से 1/2 kg का केक बनेगा। आपको अगर 1 kg का मेजरमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप फ्लेवर के लिए डालना है 1/2 TSP वेनिला एसेंस। तो सारी रेसिपी आपको टिप्स और सीक्रेट के साथ ही मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सारी चीजों को आपको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो इसे हाफ कट मेथड भी कहा जाता है। तो मिक्स करते वक्त आप एक बात का याद रखिएगा कि आपको इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। आप इसे आगे पीछे करके मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो जो केक है वो अच्छा स्पॉन्जी नहीं बनेगा। और आपको इसे बहुत ज्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं एक बार हैंड ब्लेंडर चला रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ब्लेंडर भी आपको बस कुछ 2 से 3 सेकंड के लिए ही चलाना है। और ये देखिए, इसमें कोई भी अब लम्स नहीं दिख रहा है। तो केक का बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पर आप जो ओवन है उसे प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने केक मोल्ड ले लिया है। तो ये वैलेंटाइन डे का मैं केक बना रही हूँ, इसलिए हार्ट शेप लिया है। अगर आपके पास राउंड या स्क्वायर शेप का भी केक मोल्ड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो मोल्ड में केक ना चिपके उसके लिए मैं उसको अच्छे से ग्रीसिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल उसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और उसके बाद थोड़ा सा मैदा लेके मैं इसका डस्टिंग कर ले रही हूँ। तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। केक मोल्ड रेडी हो चुका है। तो जो केक का बैटर है उसमें आप डालिएगा लास्ट में 1 TSP लेमन जूस और उसके बाद आप इसे बहुत ही क्विक मिक्स दे दीजिएगा। आपको इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो लेमन जूस आप जस्ट इसे ओवन में बेक करने के पहले ही डालिएगा। तो बैटर डालने के बाद आप इसे अच्छे से टैपिंग कर लीजिएगा ताकि इसमें से सारे एयर बबल्स निकल जाएं। और आप इसे 180 डिग्री में 30 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, केक कितना अच्छा स्पॉन्जी बना हुआ है। तो जब टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकले इसका मतलब जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो आप इसे 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए रख दें रूम टेम्परेचर में। तो जब केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब जब मैं इसे आराम से इसके जो केक मोल्ड को टच कर सकूं, तो आप केक को अनमोल्ड कर लीजिएगा। तो आप पहले किनारे से इसे जो मोल्ड से अलग कर लीजिएगा नाइफ की सहायता से। और फिर मैंने इसमें एक प्लेट रखा है और प्लेट को मैं उल्टा करके इसमें केक को आप थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा तो जो केक है वो आराम से निकल जाएगा। और जो केक है वो देखिए कितने अच्छे से बेक हो चुका है। तो आप इसे इसके बाद कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख दें। तो इसके लिए आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो आइसिंग करने के पहले जो केक है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आइसिंग है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैं ये 2 लेयर का केक बना रही हूँ। तो मैंने मार्क कर लिया है नाइफ से। तो आप हल्का से एक मार्क बना लें केक में चारों तरफ से कि आपको केक कहाँ से कट करना है।
तो आप देखेंगे कि मैं टेबल को राउंड घुमा रही हूँ, ना कि नाइफ को। और केक का आप ऊपरी लेयर जो इसका जो क्रम होता है वो निकाल लें, ताकि जो ये क्रीम है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करे। और अब बारी आती है केक को लेयर्स में कट करने के लिए। तो जहां हमने मार्क किया था वहां से हमें इसे कट करना है। तो यहां पर आप नाइफ को बहुत ही केयरफुली आप इस तरीके से राउंड घुमाते जाइए टेबल को, और इसे नाइफ से काटते जाइए। तो अगर आपके पास केक कटर नहीं है तो भी आप केक को आसानी से कुछ इस तरीके से लेयर्स में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाइफ को 20 तक सेंटर तक केक में पहुँचाया है, और ये देखिए कितने अच्छे से जो केक है वो लेयर्स में कट कर रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 50 ग्राम क्रीम चीज़। तो जो रेड वेलवेट केक होता है उसमें मोस्टली यही क्रीम चीज़ का ही यूज़ किया जाता है। और क्योंकि ये चीज़ है तो ये हल्का सा सौर होता है, तो इसके लिए आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच शुगर, ताकि इसमें थोड़ा सा मीठापन रहे। और आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो जो ये चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो आप इसे एक बाउल में निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए। तो सेम बाउल में आप ले लें 150 ml व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, तो 5 मिनट आप इसको लो स्पीड में मिक्स करें। तो जहां आप रह रहे हैं वहां बहुत ही ज्यादा गर्मी है या ह्यूमिड है, तो आप इसे आइस क्यूब के बाउल के ऊपर रखिएगा। तो इससे ये होगा कि ये जो क्रीम है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और फिर आपको इसमें फ्लेवर के लिए डालना है 1/4 TSP वनीला एसेंस। आप चाहें तो यहाँ पर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम को आप मिक्स करने के पहले ही फ्रिज से निकालिएगा, तो क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, तभी इसमें स्टिफ पीक आएगा। तो क्रीम बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, स्टिफ पीक नहीं आया है। तो इस स्टेज में जो हमने चीज़ क्रीम को पहले से बनाकर रखा था मिक्स करके, वो आपको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 क्रीम चीज़ यूज़ किया है, और उसके बाद आपको इसे फिर से बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक ना आ जाए। तो ये जो है ये हम केक का क्रम कोट करने के लिए ये क्रीम यूज़ करने वाले हैं। तो जो केक का टॉप लेयर रहेगा उसके लिए व्हिपिंग क्रीम और जो चीज़ क्रीम है उसको भी इसी तरीके से फिर से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए क्रीम में अच्छे से स्टिफ पीक आ चुके हैं। तो जो ये क्रीम है ये आइसिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो केक बोर्ड में आप पहले केक का टॉप लेयर लीजिएगा। वो मैं बताती हूँ आपको कि ये आप सबसे नीचे क्यों लगाइएगा। तो केक बोर्ड में आप पहले थोड़ा सा क्रीम लगा लें, ताकि ये जो केक है उसमें से स्लिप ना हो, और फिर आप इसे कुछ उल्टा इस तरीके से रख दें। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर सोकिंग सिरप। तो इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको केक ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ वाटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्रीम को अच्छे से इवनली इसमें केक में स्प्रेड करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मैं क्रम कोटिंग के लिए और टॉप लेयर के लिए दो अलग अलग क्रीम क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जब हम केक का क्रम कोटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे केक के क्रम्स ऐड हो जाते हैं, और जो फाइनल लेयर्स में अच्छे नहीं दिखते हैं। इसीलिए मैंने 2 बार यहाँ पर जो क्रीम है उसको प्रिपेयर किया है। तो क्रम कोटिंग के लिए आप सेपरेट क्रीम रखें और टॉप लेयर के लिए आप सेपरेट क्रीम रखें। तो केक का जो बॉटम पार्ट है उसे मैं टॉप में रख रही हूँ। तो केक का जो बॉटम पार्ट होता है वो बहुत ही फ्लैट होता है, तो जिससे उसका फिनिशिंग बहुत इजी हो जाता है। और जैसा कि मेरे हर केक की रेसिपी में आप देखते होंगे कि टॉप लेयर में मैं शुगर सिरप कुछ इस तरीके से लगाती हूँ। इससे होता ये है कि जो सिरप है वो बहुत ही अच्छे से सोक हो जाता है। आप बड़े ही ध्यान से इसमें टॉप लेयर लगाइएगा। और उसके बाद हमें बहुत ही फाइन लेयर इसमें लगाना है। तो ये लीजिए ये हो गई केक की क्रम कोटिंग। तो इसे हमें टॉप से और साइड से भी बहुत अच्छे से क्रीम से कवर कर लेना है। तो क्रम कोटिंग के बाद आप इसे फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख लें, ताकि जो ये केक है अच्छे से सेट हो जाए। तो केक को फ्रीज से निकालने के बाद आप इसका टॉप लेयर करिए। तो सेम प्रोसेस से मैंने जो व्हिपिंग क्रीम है और चीज़ क्रीम को फिर से प्रिपेयर किया है। तो देखिए इसमें कोई भी क्रम्स नहीं है,
केक को आपको सभी तरफ से अच्छे से कवर कर लेना है। और केक को फाइनल लुक देने के लिए आप स्पैचुला को गर्म पानी में रखें और उसके बाद उसे अच्छे से क्लीन करें और इसे टॉप में कुछ इस तरीके से आप क्लीन करते जाएं, तो इससे जो केक का फाइनल लुक बहुत ही अच्छे से आएगा। तो हर बार स्पैचुला चलाते वक्त आप उसे हर बार टिश्यू से क्लीन करिएगा ताकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम ना लगा हो। तो केक बोर्ड को आप अच्छे से क्लीन करें और इसे फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि केक को आप नेचुरल फ्लावर से कैसे सजाएं। तो वैलेंटाइन डे का केक है तो इसमें रोजेस तो होना ही चाहिए, स्पेशली रेड रोज। तो आप इसमें से जितने एक्स्ट्रा इसकी पत्तियां हैं इसे आप निकाल लें। तो यहाँ आप फ्लावर्स को पहले अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद मैंने इसका एक छोटा सा ही डंडा रखा है और एक्स्ट्रा जो डंडा है उसे मैंने काट लिया है। और आप इसके बाद इसे सिल्वर फॉइल से अच्छे से कवर कर लें ऊपर तक। तो यहाँ जितने भी फ्लावर्स हैं आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसके स्टेम्स को आप सिल्वर फॉइल से इसलिए कवर करें क्योंकि वो एडिबल तो नहीं होते हैं, साथ ही साथ वो सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं खाने के लिए। तो इसे केक में डालने के पहले आप श्योर करें कि आप अच्छे से इसे कवर कर लें। ये देखिए मैंने इसे पूरे अच्छे से कवर कर लिया है। तो सारे फ्लावर्स मैंने ऐसे ही रेडी करके रखे हैं और अब बारी आती है केक के फाइनल लुक की। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद फ्लावर अच्छे से सजा सकते हैं जैसे भी आपकी मर्जी हो। तो मैंने यहाँ सोचा है कि यहाँ पर पिंक और रेड और जो वाइट है उस फ्लावर से सजाती हूँ और मेरे पास ये छोटे छोटे भी वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। तो आप इस तरीके का केक बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी या तो वैलेंटाइन डे आ ही रहा है उसके लिए आसानी से सजा सकते हैं। तो अगर आपके पास रोजेट पाइपिंग कोन है तो आप क्रीम से भी इसमें रोजेस बना सकते हैं। तो कैसी लगे आपको एगलेस वेनिला केक की ये रेसिपी और साथ ही साथ आइसिंग करने के सारी टिप्स? तो आप भी एक बार नेचुरल फ्लावर से केक डेकोरेट करके जरूर देखिएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ फोंडेंट में ट्राई करना है तो आप कुछ इस तरीके की भी डिजाइन बना सकते हैं।